हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं बात करने वाला सेलो कंपनी की ओर से आने वाला 1 लीटर थर्मस बॉटल के बारे में। इसे कंप्लीट हम टेस्ट करेंगे। जैसे कि इन्होंने बताया हुआ है, इसके अंदर आप पानी डालोगे वो 24 आवर तक गर्म रहेगा, अप टू 24 आवर मेंशन किया है, जो कि हम थर्मोमीटर के थ्रू टेस्ट करके चेक भी कर लेंगे। इसे क्लीन किस तरह करना है, ओवरऑल क्वालिटी किस टाइप की, ये वैल्यू फॉर मनी है भी कि नहीं, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो आप भी सोचोगे अच्छे से थर्मस बॉटल परचेस करने के लिए। आपका बजट अराउंड 500 रुपीज के करीब है, तो ये मैंने 1 लीटर की परचेस की 549 की। अमेजोन पे डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, सेम ये कोई 699 का सेल कर रहा है, जो बेस्ट सेलर रहेगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जब मैंने परचेस की ऑफर भी चालू था। यह वीडियो आप 2022 या फिर 2023 में देख रहे हो, 6 मंथ में हमारे इस टाइप की बॉटल अपडेट होते रहती है। जो लेटेस्ट वाली रहेगी उनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। कुछ इस टाइप का ओवरऑल आपको बॉक्स पैकिंग देखने को मिल जाता है, तो चलो करते हैं इसे अनबॉक्स। तो कुछ इस टाइप की ओवरऑल आपको बॉटल देखने को मिल जाएगी। इधर सेलो की ब्रांडिंग है, फ्लिप स्टाइल, इधर वैक्यू स्टील देखने को मिल जाता है, कंप्लीट स्टेनलेस स्टील बनी हुई है। इधर इसके कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए, ये आपको रीड करना, आप रीड कर सकते हो। सेलो जो कि इंडिया की आपको कंपनी देखने को मिल जाएगी। ऊपर कुछ इस टाइप का आपको कैप दिया गया, इस कैप को आप जो कि वाटर वगैरह ड्रिंक करने के लिए कोई बच्चे है तो उससे भी कप की तरह भी यूज कर सकते हो। लीड की बात करें, कंप्लीट आपको प्लास्टिक मटेरियल यूज किया गया, प्लास्टिक मटेरियल बहुत ही प्रीमियम यूज किया गया। जिस तरह हमारा प्रेशर कुकर हो गया, कढ़ाई हो गया, जिसका जो हैंडल रहता है वो सेम मटेरियल आपको प्लास्टिक का इधर देखने को मिल जाएगा। इधर सेलो की ब्रांडिंग, इधर इस तरह आपको ओपन कर लेना, इस तरह क्लोज कर देना। इसे कर लेता हूँ ओपन और अंदर से भी शो कर देता हूँ। कुछ इस टाइप का ओवरऑल लीड है, लीड की क्वालिटी काफी प्रीमियम है। इधर जब भी आप इसे ओपन करोगे तो ये ऊपर जाएगा, उसके बाद में ये इस तरह आ जाएगा। तो थर्मस बॉटल वर्क किस तरह करती है, जैसे कि इसके अंदर वाटर वगैरह कुछ भी आप डालते हो और इसे बंद करते हो, तो बाहर का टेम्परेचर जो कि अंदर के टेम्परेचर में मिक्स नहीं होता है, ना तो इसे कॉन्टेक्ट में आता है, उसके कारण इसके अंदर कोई भी लिक्विड आप डालोगे उसका टेम्परेचर सेम टू सेम बना रहता है। तो इस तरह फ्लास्क की बॉटल वर्क करती है। और अंदर के साइड में आपको 3.0 का ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाएगा, जो कि मैं जूम करके दिखा देता हूं। इधर आप देख सकते हो 3.0 के स्टेनलेस स्टील इसके अंदर 100% यूज किया गया है, कभी भी रस्ट वगैरह इसके अंदर नहीं लगेगा। तो अब हम इसे कर लेते हैं टेस्ट, इसके अंदर करते हैं वाटर फील गर्म करके, इसके बाद में थर्मोमीटर के थ्रू इसका टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। आफ्टर 12 आवर में भी 24 आवर बाद में हम फिर से टेम्परेचर चेक कर लेंगे इसे ओपन करके कि पानी कितना गर्म रहता है। तो अब मैं इसके अंदर वाटर फील कर देता हूं, टेम्परेचर भी आपको बता दूंगा और टाइमिंग भी बता दूंगा, और हम 11-12 घंटा रखेंगे, इसके बाद में फिर से ओपन करके देख लेंगे पानी गर्म रहता है भी कि नहीं थर्मस बॉटल के अंदर। तो अब हम टेम्परेचर चेक कर लेते हैं, जो कि मेरे पास टेम्परेचर का ये मशीन है। तो आप देख सकते हो 87 डिग्री, जो कि पानी गर्म है, 100 डिग्री हमारा पूरा बॉयल रहता है, और पीने लायक पानी जो कि 45 डिग्री की रिक्वायरमेंट रहती है। अब इसे करते हैं हम बंद। टाइमिंग की बात करें तो अभी आप देख सकते हो 10:30 हुआ है। अब हम कल सुबह देख लेंगे जो कि 10 या 11 बजे तक, जो कि 12 घंटा कम्प्लीट, तो इसमें हमें पता चल जाएगा कितना पानी गर्म हुआ है। तो इसे मैं रख देता हूँ इधर। तो अभी मॉर्निंग हो चुकी है और अभी इस बोतल को ओपन करके देख लेते हैं कितना पानी हमारे इसके अंदर अभी गर्म है। और टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ, 11:19 जो कि मॉर्निंग का टाइम, संडे 25 दिसंबर है, आज क्रिसमस का डे है। तो ये रहा मेरा थर्मोमीटर, और इसे मैं ओपन कर लेता हूँ, जो बाहर का टेम्परेचर है वो डिटेक्ट करेगा अराउंड 30 से लेके 29 डिग्री। और अब मैं इसको इसके अंदर डालता हूँ और ये टेम्परेचर जो कि हमारा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसे कंप्लीट प्रोसेस होने देते हैं। तो आप देख सकते हो 65 से लेके 70 डिग्री तक का आपको कंप्लीट टेम्परेचर इसके अंदर देखने को मिल रहा है। जब हमने डाला था 85 से 90 के बीच में था, तो 20 डिग्री का ही थोड़ा डिफरेंट आया, बाकी कोई डिफरेंट नहीं आया। और पीने लायक पानी हमें जो कि 45-40 डिग्री तक ही चाहिए रहता है। सो आई होप आपको पता चल गया रहेगा इस बॉटल के बारे में, काफी ज्यादा यूजफुल बॉटल है, विंटर के सीजन में बहुत ही ज्यादा काम आती है, गैस का काफी ज्यादा बचत होता है, घर पे कोई भी बड़े बुजुर्ग है इनके लिए भी बार बार पानी गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई बच्चे इनको भी इजिली हम गर्म पानी विंटर के सीजन में दे सकते हैं, जिसके कारण उन्हें बुखार वगैरह ना आए। और मैं इसका लीकेज का भी दिखा देता हूँ, काफी लोग को ये रहता है कि थर्मस बॉटल जो कि लीकेज होता है कभी भी पानी वगैरह, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके अंदर थोड़ा भी आपको पानी लीकेज नहीं देखने को मिलेगा। मैंने पूरी बॉटल फिल की हुई, तो इधर आप देख सकते हो थोड़ा भी पानी जो कि लीक नहीं हो रहा है। और अभी मैं इसको जो कि है ना, इसका जो कैप है इसको कप की तरह भी यूज कर सकते हैं, तो ये पानी मैं इसके अंदर रिमूव करके भी दिखा देता हूँ, तो आपको कप की तरह यूज करना, तो इस तरह भी आप गर्मा गर्म पानी इमरजेंसी केस में कभी भी पानी वगैरह पीने टाइम पे से यूज कर सकते हो। सो ये मैंने अमेजोन से परचेस की थी 549 की। अमेजोन पे डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, सेम ये बॉटल कोई 700-600 का सेल करा, जो बेस्ट सेलर रहेगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जब मैंने परचेस की ऑफर भी चालू था। और ये वीडियो आप 2022 या फिर 2023 में देख रहे हो, 6 मंथ में हमारे टाइप की बॉटल अपडेट होते रहते हैं। जो लेटेस्ट वाली रहेगी उनकी लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, वीडियो अच्छा लगा जाता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।